वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अभी विजय भैया दिल्ली से आए मिलने के लिए, और इनके बच्चे का ये आप देख रहे हैं कि चश्मा कितना मोटा चढ़ा हुआ है, वो हम पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो चीज़ें विजय भाई जी खुद बताएंगे कि इनके बच्चे के साथ, और बच्चे अभी खुद बोलेगा कि क्या हुआ। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार केंद्र पर आए इसके लिए। तो आपका, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के जो साथ मिल रहा है उससे हमारा हौसला बढ़ता है इस कार्य को करने में, तो आप आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आए स्वस्थ समृद्ध परिवार के सेंटर पर, और मेरे बच्चे को चश्मा हटा करके कुछ भी पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी जो ये जालंधर का ड्रॉप है, इसको अभी भैया ने डाला है इनके आँखों में, और इसको दो दो बूंद डालने के बाद ही अभी बच्चा मेरा आसानी से उसको पढ़ पा रहा है, और काफ़ी हद तक उसको साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि जालंधर एक बार ज़रूर जाएं और गुरुद्वारे में जाके इस ड्रॉप को लें और इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा है। तो बाबू आप ये बताओ, क्या नाम है आपका? आयुष्मान कुमार पवित्रन, आयुष कुमार पवित्रन। पवित्रन। अच्छा, कितने नंबर का चश्मा है भैया इसका? अभी इनका -12। -12 का जी चश्मा है। जी हाँ जी हाँ। बाबू, आप चश्मा जब आए थे तो हटाने के बाद आपको पीछे जो बैनर जो है लिखा हुआ है वो आपको पढ़ने में आ रहा था? ना, आई ड्रॉप लगाने के पहले तो कुछ नहीं आ रहा था। चश्मा हटाने के बाद? और अब चश्मा हटा के पढ़ के दिखाना। दिखाता हूँ। चश्मा हटाओ। रसोई अब क्या क्या पढ़ने में आ रहा है आपको? घर, आरोग्य जगत, वैदिक चिकित्सा, यूट्यूब, ग्लोबी न्यूज, पेटीएम एक्सेप्टेड हियर। अच्छा, ये चीज़ आप देखिए कि बच्चे को चश्मे के बिना, पहले जब चश्मा हटा के बाहर जो आप बैनर देख रहे हैं पीछे, स्वस्थ समृद्ध परिवार, वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, आरोग्य जगत और वैदिक चिकित्सा क्रांति और ग्लोबी न्यूज जैसे मैटर, ये सारी चीज़ें उसे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि इन्होंने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी भी बगल में जो थे वो साफ दिखाई नहीं नहीं दिखाई दे दे रहे रहे हैं, थे। मतलब इसकी इतनी समस्या थी। और सिर्फ एक बार नेत्र प्रसाद जो जलंधर से जो मिला, एक भैया गए थे जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने 12 पीस लाए थे, तो एक पीस मुझे दे दिए थे सेंटर पे। तो यहाँ पे आए हुए सभी भाई बहनों को मैं प्रयास करता हूँ कि एक एक बार तो कम से कम डाल दूँ। तो इसका जो परिणाम आपके सामने है कि बच्चा चश्मा हटाने के बाद वो छोटा सा ग्लोबी न्यूज लिखा हुआ लोगों के नीचे जो ग्लोबी न्यूज है, मैं सोचा वो तुक्का मार गया होगा, तो क्या बच्चा कह रहा नहीं नहीं मुझे साफ दिखाई दे रहा है, और हिंदी में थोड़ी सी पढ़ने में, नहीं तो हिंदी के अक्षर भी इसको काफ़ी अच्छे, बड़ा अक्षर भी, स्वस्थ समृद्ध परिवार, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आप सभी से एक ही विनती है कि आप भी नेत्र प्रसाद लेने के लिए जालंधर पहुँचें और वहाँ से लेकर अपने आपको चश्मे से मुक्ति दिलाएं, आंखों की समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। ये बाबा का आशीर्वाद है, जो भी है मैं यही कहूँगा कि स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने के लिए एक प्रयास इस ओर कर ही लें तो क्या बुराई है। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, वंदे मातरम। और बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जल्दी आपका चश्मा हट जाएगा धन्यवाद। और उस सफलता के बाद बच्चे ने दोबारा अपनी आंखों में हिम्मत करके दवाई डलवाई, और बच्चे के माता पिताजी भी दोनों ने डलवाए। भैया मिर्ची जैसी लग रही है, करंट जैसा लग हाँ रहा जी हाँ, बिल्कुल मिर्ची जैसी लग रही है, है। बहुत ही तेज। लेकिन इसका असर बहुत अच्छा है। 3 to 4 times a day चिल्ड्रेन हाफ ऑफ द एडल्ट एडल्ट डोज और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, जनरल इंस्ट्रक्शंस। कुछ भी पढ़ लें। MRP 110 रुपया, बैच नंबर HT
23129। अब भैया आप मुझे ये भी दिखाइए कि कितना छोटे में लिखा हुआ है जो आप पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे अक्षर हैं जिनको देखना मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, और अभी ये जलंधर का जल डालने के बाद, ये आई ड्रॉप डालने के बाद, मैं इन इतने छोटे अक्षरों को भी पढ़ने में सक्षम हो पा रहा हूँ, वो भी बिना चश्मे के। वो भी बिना चश्मे के। और ताजुब की बात ये हुई कि अभी बेटे बच्चे का, इस बच्चे को डाला था तो उसको असर आया था जो भी आपने देखे, तो इसने मैं फिर सब सबको डाल दिया। तो डालने के बाद भैया ये ऐसे उठा के मैजिक कॉयल को उठा के देख रहे, कह रहे भैया ये तो मैं पहले चश्मे से पढ़ रहा था नीचे वाला लिखा हुआ, और अब मेरे को बिना चश्मे का दिखाई दे रहा है। बिना चश्मे के इसको तो अब मैं बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से पढ़ सकता हूँ। और इतनी दूरी से, इतनी दूरी से, 1 फुट के, 1.5 फुट, 2 फुट की दूरी भी है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेदिक औषधि के तेल से निर्मित यह जादुई तेल की सबसे बड़ी खासियत, इसे सूंघने मात्र से व धीरे धीरे सूंघने से असहनीय सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, बेहोशी, सांस लेने में कष्ट, उदासीपन, जी मिचलना, किसी भी प्रकार के नशे के असर व शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द 100% सही, न सही तो कम से कम अद्भुत राहत जरूर दिलाती है। अच्छा, ये इतना छोटा बारीक जो है वो आप पढ़ लिए, बिल्कुल आसानी से पढ़ लिए। और इसके बाद आपकी नजर गई उस डब्बे पे, बायोकेमिक की 12 दवाइयों के डब्बों पे। जी हाँ, इस पर गई और इसको मैंने चेक किया कि भाई मैं इसको पढ़ सकता हूँ, तो ये सारे के सारे मैं पढ़ सकता हूँ। और ये भैया का रहा चश्मा, जो चश्मा लगा के पढ़ते थे, ये चश्मा लगा के मैं पढ़ता था। -2 मेरा पावर है, जो बिना इस चश्मे के पढ़ना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, और अभी इसकी कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। और दीदी आपको भी डाला, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बाबू। और अब आपको अब निकाल के चश्मा देखना, और बढ़िया लग रहा है। आप यहाँ से पढ़ सकते हो बिना छुए इसको? हाँ, हाँ, पढ़ना। और पीछे मेरे इतना दूरी से, मैं इतना दूरी से, मैं तो यहाँ पहले वो भी जो है, पहले चश्मा हटाओ। रसोई घर, आरोग्य जगत, वैदिक चिकित्सा, यूट्यूब, ग्लोबी न्यूज, आओ लौट चले किचन से रसोई घर की ओर। ठीक है, उसके नीचे वाला, नीचे वाला पढ़ो ना, वो वाला निकालें। अच्छा, कोई बात, ये बहुत ही अच्छा है, चमत्कारी है। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि अपने बच्चों को चश्मे से मुक्ति, अपने आप को चश्मे से मुक्ति दिलाने के लिए जलंधर के नेत्र प्रसाद बाबा जी के पास जरूर जाएं, और ये प्रसाद लेकर आएं, और अपने अनुभवों को समाज में शेयर करें, जिससे कि और भी भाई बहन अपने अपने आप को चश्मे से मुक्ति पाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।